हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जामिनों पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च सेंटर गांधीनगर की ओर से जो रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, उस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च यह आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, जिसकी ब्रांच आपके गांधीनगर और गुवाहाटी के अंदर स्थित है और इन्हीं के लिए आपके वैकेंसी जारी की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023। आपकी कौन सी पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है? आपके पोस्ट हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी, लेवल 6 पे मैट्रिक से इसकी। और कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी जारी की गई है? यहाँ पे आपके पोस्ट कोड दिया हुआ है, डिसिप्लिन, लोकेशन और पदों की संख्या। आपकी सिविल के अंदर एक पोस्ट है, इसके अंदर जिन कैंडिडेट के सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके न्यूनतम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपके सेकंड पोस्ट है कंप्यूटर, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं और इसके अंदर जिन कैंडिडेट के डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इन कैंडिडेट के BSc इन कंप्यूटर साइंस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके मिनिमम हर पोस्ट के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके 10 पोस्ट हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिन कैंडिडेट ने किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके न्यूनतम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी पोस्ट है इंस्ट्रूमेशन, इंस्ट्रूमेशन के अंदर आपके 5 पोस्ट हैं और जिन कैंडिडेट ने इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल, मैकेनिकल में आपके 10 पोस्ट हैं, जिन कैंडिडेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पोस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके 10 पोस्ट हैं, जिन कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पोस्ट आती हैं फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर आपके 12 पोस्ट हैं और जिन कैंडिडेट ने BSc फिजिक्स से किया हुआ है विद 60% वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगे। एज लिमिट आपके न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 30 वर्ष हैं और भारत सरकार द्वारा आयु में छूट प्रदान की जाती हैं तो वो इसमें प्रदान की जाएगी। जैसे कि OBC में 3 वर्ष और SC ST 5 वर्ष छूट प्रदान की जाती हैं। उसके बाद आपका पे लेवल क्या रहेगा? पे लेवल रहेगा आपके लेवल 6 का और जिसकी बेसिक पे रहती है आपके 35,400 रुपये पर मंथ, या आपके 7th पे कमीशन के हिसाब से। उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, आपके इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकते हैं और यदि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो आपके रिटर्न एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा। अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस SC ST फीमेल, PWD, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है नील, और अदर कैटेगरी यानी OBC, UR ऑल की फॉर्म फीस 200 रुपये हैं। और आपको अपनी फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, तो आपको इसमें पेमेंट कैसे करना है उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और जब भी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इसमें अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और इन जिनकी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।